अब भाई रुको जरा, क्या काम कर रहे हो? हाँ कचरा उठा रहे हो? दिखाओ थैला, दिखाओ अपना। ये कुछ मिलता है काम का? कूड़ा, ये बिकने वाली चीज है? अभी के कब, कितने घंटे हो गए आपको अभी यहाँ पर? हम तो अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हो, रख दो फिर। तो दिन में कितना का उठा देते हो यहाँ पर कचरा? कचरा मिल जाता है तुमको 200-300 रुपये का एक दिन में। अच्छा तो मतलब कहाँ कहाँ जाते हो इधर से उठाने के लिए? कहाँ से? लकड़ी पड़ाव से। लकड़ी पड़ाव से आते आप? आगे कहाँ तक जाओगे? यहीं तक। तो यहाँ पर, यहीं पर ही मिल जाता है आपको 200-300 रुपये का? और कहाँ जाते हो इसके अलावा? इधर ही की तरफ, आगे की तरफ चलते हो? पीछे। अच्छा मैंने इधर देखा है पिलर में किसी ने बैग बुक भी टांगा हुआ है, इधर भी रहता है कोई लोग? ये तो पागल लोग रहते होंगे, पता नहीं। देख लो उठा लो, मिल रहा है कुछ काम का? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? क्या भाव जाता है ये? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो जाता है। अब बोतल? ये 20 रुपये किलो जाती है। अच्छा अब बियर वगैरह वो मिल जाए तो बढ़िया रहता है ना फिर? एक बोतल 1-2 रुपये की जाती हो? गाइस देख सकते हो ये, अब ये बिजली घर ये बन गया है इसका। मैं इसका जो बना था ये पिछले साल ही हुआ था तैयार, ये मैं आया था जब यहाँ पर उद्घाटन हो रहा था। हरक सिंह रावत आए थे यहाँ उद्घाटन करने, उस समय मंत्री थे वो, चुनाव के समय था ना। अभी यहाँ पर तैयारी भी हो रही है, हल्दू खारता कोटद्वार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन। तो ये यहाँ पर देखो ये जियो फाइबर ऐसे निकल रहा है इसका तार, ये पाइप ऐसे करके अंदर कुछ ऐसे पता नहीं सिस्टम हो गए। नदी में जाना एवं नाना सख्त मना है। अबे भाई वहाँ पर अभी फूक गया कुछ, वहाँ पर चिंगारी निकली भाई, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो आज जो ये ब्लॉग है, भाई साहब मिल गए हमें कचरा उठाने वाले, जरा इनके साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो ये उठाते हैं। दो 300 रुपये के लिए ऐसे काम करते हैं, ऐसे झाड़ियों के अंदर जाते हैं। ये देखो बोतल, बोतल दिखाओ कितने का होगा? 1 रुपये का? 1 रुपये चलो रख दो। तो एक कट्टे में तो ऐसे 50-60 के सामान आता होगा ये क्लास। अब बेचते कहाँ हो इसे? किसमें? ठीक है ठीक है। तो रोज आते हो आप? डरो मत, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। बोलो रोज आते हो कि नहीं आते हो? रोज नहीं आते हो? इस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपना फेंक दिया रहता है जो इधर के साइड आते हैं, उनमें से कुछ ये काम की चीज़ ले जाते हैं उठा के। वैसे वो जो कट्टे भरे हुए हैं ना वहाँ पर, उनके अंदर क्या होगा?
है कट्टे के अंदर। ये तो यार इन्होंने रखा है पत्थर पत्थर। तो अभी ये कलार घाटी की तरफ चल रही है। बस अब आगे कचरा ख़त्म ना। अब इसके बाद किधर चलोगे? चलो एक और मिल गई है। कितने 50 पैसे की जाती है साइज़? 50 पैसे की मैकडोनल्ड की। वैसे तुम दिहाड़ी मजदूरी क्यों नहीं करते हो आप? दिहाड़ी नहीं मिलती है? तो इस तरह से मोटर ढांग में फेंका रहता है इन्होंने। गाइस देख सकते हो जैसे कि भाई लोग, ऐसा नहीं यार बहुत मेहनत लगती है इसमें। कब से सुबह से शाम तक लग करते रहते हो ना काम? दिन भर ये काम करना पड़ता है। कभी कोई करने से रोकता आपको? बोलता कोई नहीं है। गाइस इस तरीके से आपको जो मैंने घर दिखाया था ना वहाँ पर कपड़े कपड़े जो टंगे हुए थे वो ऐसी, ये तो नहीं रहते यहाँ पर, ये तो लकड़ी पड़ाव सा रखे। लेकिन कई लोग ये पिलर के सामने भी अपने, उन्होंने बसेरा बना रखा है अपने यहाँ पर। जैसे कि इधर भी होगा कुछ काम का, वैसे तो पड़ा हुआ। काफी कठिन होता है गाइस। सबसे ज्यादा इनका प्राइस जो मिलता है इनको, अगर बोतल मिल जाए दारू की तो वो इनके लिए बढ़िया बन जाता है काम। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यार इधर की तरफ तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा है।
की नज़र काफ़ी तेज़ है यार। तो कैसे देखो यहाँ पर इन्होंने इतना भर दिया है भाई साहब। ये सब आज ही क्या कितने का होगा सर? हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये अभी बेचोगे से? अभी से भी भरोगे ना फिर? अच्छा एक गाड़ी लेके आने तक जाते हैं भाई। ये अभी ये यहाँ से जा रहे हैं, अभी किधर किधर जाओगे? ठीक है चलो धन्यवाद करो, ऐसे करो अंगूठे दिखाओ। तो गाइस ये व्लॉग यहीं तक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया को काफ़ी आज 200 का और सामान मिल जाए। तो व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।